मन भाई मध्य प्रदेश में होने जा रहे आईफा 2020 अवार्ड समारोह को पहली बार होस्ट करेगी। सीएम कमलनाथ, अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस और सलमान भाई ने इसकी अनाउंसमेंट की। कार्यक्रम में सलमान भाई ने अपने बचपन की यादों को साझा किया। उन्होंने बताया कि वे इंदौर में पैदा हुए हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से वे सभी लोग इंदौर में अपनी छुट्टियां बिताना पसंद करते थे। आईफा होस्ट करने की बात पर सलमान भाई ने कहा कि होम टाउन में पहली बार आईफा होस्ट करने पर ऐसा लग रहा है जैसे होम ग्राउंड पर रहूंगा, तो आईफा अवार्ड्स का सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा। राधे की बात करें तो उसकी शूटिंग गोवा से खत्म होकर मुंबई में चल रही है। सेट्स पर वांटेड की तरह चेक्स लाइनिंग वाले शर्ट्स में नजर आ रहे हैं। देखिए सेट से ऐसी तस्वीरें देखकर राधे के लिए एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गया है। सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली की लीड एक्टर्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना, उसके लीड एक्टर्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और पूजा हेगड़े सलमान भाई के साथ लीड एक्टर्स के रोल में नजर आएगी। फिल्म में पूजा के किरदार के बारे में साजिद नजरवाल ने बताया कि फिल्म में सलमान की प्रेमिका एक छोटे गांव में रहने वाली लड़की जिसका स्वभाव सलमान भाई से बिल्कुल ऑपोजिट है। फिल्म को डायरेक्ट फरहान समझी करेगी और इसके स्क्रिप्ट साजिद नजरवाल ने लिखी है।